पाकिस्तान से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान कभी भी किसी भी टीम को किसी कैसा भी खेल सकती है। यही वो टीम थी जो जिम्बाब्वे से हार गई और यही जो टीम है वन ऑफ द फेवरेट साउथ अफ्रीका से वन साइडली वन साइडली उनको हरा दिया। इंडिया के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग जो ऑप्शन है, या तो वो टॉप करेंगे या बाहर हो जाएंगे। सेकंड पोजीशन में वो नहीं आ सकते, या तो वो खेलेंगे एडिलेड में सेमीफाइनल या वो आएंगे मुंबई की फ्लाइट पकड़ेंगे। तो शादाब खान ने आज मानी, मेरा हाल है फ्यूचर कैप्टन मुझे नजर आ रहे हैं वो आज शादाब खान। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे लगता है कि बाबर आजम अगर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अगर बाइड होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए हमारी दुआएं पाकिस्तान के लिए, तो बाबर आजम की T20 की कप्तानी हो जाती हुई नजर आ रही है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, और मैंने कहा था आपको कि अभी पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ और पाकिस्तान अपने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल से लास्ट मैच खेलेगा और एंड तक पाकिस्तान बाहर नहीं होगा। हम आखिर तक करेंगे क्योंकि अभी हम जिंदा है। पाकिस्तान की जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस। ऐसा मिडल ऑर्डर का जो स्टेप अप किया उन्होंने, ऐसी परफॉर्मेंस दी है इफ्तिखार अहमद ने। आज इफ्तिखार चाचू को हम इफ्तिखार अहमद बोलेंगे। और शादाब खान ने क्या बैटिंग की है, सही मायनों में उन्होंने ऑलराउंडर वाली परफॉर्मेंस दी फैसल। और पाकिस्तान एक थोड़ी सी बात हाँ। थी मोहम्मद हारिस जिन्होंने आज डेब्यू किया, वर्ल्ड कप डेब्यू था उनका, वैसे तो खेल चुके हुए हैं लेकिन क्या बैटिंग और क्या टून सेट की है। What a youngster that was, brilliant batting. पाकिस्तान से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान कभी भी किसी भी टीम को किसी कैसा भी खेल सकती है। यही वो टीम थी जो जिम्बाब्वे से हार गई और यही जो टीम है वन ऑफ द फेवरेट साउथ अफ्रीका से वन साइडली वन साइडली उनको हरा दिया। क्या कमाल बैटिंग की है, नैरो हमारे मिसेस से। इंडिया से हम लास्ट बॉल पे हार गए, बांग्लादेश से हम लास्ट बॉल पे हार गए। बड़ा अजीबोगरीब हमारा वर्ल्ड कप, अनलकी किस्म का वर्ल्ड कप है। सोचे अगर कल बांग्लादेश जीता होता वो मैच जिसकी हमने वीडियो नहीं बना सके, तो हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल, तो हम आगे जा रहे थे और इंडिया बाहर हो रहा था, इससे बड़ी क्या खबर हो सकती थी। लेकिन अभी भी इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दी है वो 30% वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस दी है, अपनी कैपेबिलिटी के 30% खेले और 200% लक ने उनका साथ दिया, साथ दिया है। मिनिकल हैपेंस और अभी भी हमारे पास दो मजीद चांसेस हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा हर्डल था साउथ अफ्रीका शायद हार जाए अपने मैच जो कि नहीं होता नजर आ रहा, या इंडिया हार जाए, दोनों में से एक टीम भी कुछ सोच सकते थे कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार सके, दोनों में से एक टीम भी अगर अपना मैच हारती है तो रन रेट तो पाकिस्तान की बेहतर है, पाकिस्तान आगे जा सकता है। और इवन अगर साउथ अफ्रीका के मैच में अगर बारिश होती है लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का भी मैच है तो वो थोड़ा खतरनाक है, बारिश ना ही हो। इस ग्रुप का जो फैसला है वो लास्ट डे तक जाएगा, आखिरी जो राउंड मैच है वही फैसला करेगा कि कौन सी दो टीम जो है सेमीफाइनल खेल रही है। जो ग्रुप स्टेज के जो आखिरी दो मैचेस है वो पाकिस्तान और इंडिया के, तो आखिरी दम तक पाकिस्तान ने फाइट की होगी। तो हमने आपको कहते रहे कि पाकिस्तान बाय नहीं, और आज की डेट तक भी पाकिस्तान इज स्टिल इन द वर्ल्ड कप और वो सेमीफाइनल खेल सकता है। और हमें होप करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि कोई जिस तरह पाकिस्तान के साथ अपसेट हो गया है तो किसी एक बड़ी टीम के साथ अपसेट हो गया से मुझे सेमीफाइनल खेलेगा। 2019 के जो वर्ल्ड कप की याद आ गई जब हमें भी इसी तरह रिक्वायरमेंट थी थोड़ी, न्यूजीलैंड अनफॉर्चुनेटली रन रेट पे आगे चला गया, तो मुझे भी लग रहा है कि इंडिया जो है वो रन रेट भी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है हमें यार। बाकी सॉरी, इंडिया तो टॉप करेगा। इंडिया के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग जो ऑप्शन है, या तो वो टॉप करेंगे या बाहर हो जाएंगे। सेकंड पोजीशन में वो नहीं आ सकते, या तो वो खेलेंगे एडिलेड में सेमीफाइनल या वो आएंगे मुंबई की फ्लाइट पकड़ेंगे। तो दो ही ऑप्शन है इंडिया, लेट्स होप कि वो मुंबई की फ्लाइट ही पकड़े और हम जो है अभी फिलहाल एडिलेड की फ्लाइट पकड़े, क्योंकि इन्होंने हम जाएंगे सिडनी, अगर हम आगे जाते हैं तो हमें सिडनी खेलना पड़ेगा और सिडनी हमारे लिए न्यूजीलैंड को। बैटिंग टीम थी जो कि आज किसी से डरी नहीं थी, इतने इतने वर्ल्ड क्लास किस्म के बॉलर्स के सामने आराम से वो छक्के जो हमारी मूड होता जीतते हैं मन्ना नहीं जीते। कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है पाकिस्तान, अभी भी कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कि एक जो मिस्टेक जो जिम्बाब्वे वाली जो हुई है ना, ये जिम्बाब्वे से हमारी बैड लक हुई है, बस वही हमें लेबर डूबेगी अगर ले डूबेगी। लेकिन आज जो है हमने जो अपना कितना हम बेस्ट दे सकते थे वो पाकिस्तानी टीम ने आज दे दिया, और जो इसी तरह की फेयरलेस क्रिकेट देखने को मिल रही है। लेकिन थोड़ा लेट हो गए हैं, वो भी थोड़ा लेट हो गए हैं, 3 विकेट ली, बहुत अच्छी विकेट ली उन्होंने। और इसके अलावा जो मैन ऑफ द मोमेंट थे ना आज थे मोहम्मद हारिस, उन्होंने जो स्टार्ट जिस तरह दे दिया, जो छक्का मारा स्कूप का, और उसके अलावा जो दो छक्के लगाए रबाडा को, एब्सोल्युटली फाइन परफॉर्मेंस। इंडियन यही हम बात कर रहे हैं ना, पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल जो है ना, पावर प्ले में तेज रन बनाना, पावर प्ले में अगर हम 40 स्कोर करते हैं तो वो किसी काम के नहीं है। यही पावर प्ले अगर 3 आउट हो जाए और 60 स्कोर हुआ तो एक अच्छी बेस बन जाती है, आगे आने वाले प्लेयर जो है ना वो इजी हो जाते हैं। और शादाब खान ने आज मानी, मेरा हाल है फ्यूचर कैप्टन मुझे नजर आ रहे हैं वो आज शादाब खान। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे लगता है कि बाबर आजम अगर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अगर बाइड होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए हमारी दुआएं पाकिस्तान के लिए, तो बाबर आजम की T20 की कप्तानी हो जाती हुई नजर आ रही है। उसके लिए हम आपको वीडियो से समझा
जाएंगे और रिजवान बन रहे हैं टेस्ट कैप्टन, तो काफी कुछ चेंज होने वाला है टीम में। लेकिन बाबर आजम के पास एक ही चांस है कि वो वर्ल्ड कप जीते या आगे जाएं, तो अगर बचना चाहते हैं तो। पाकिस्तानियों आपने दुआएं नहीं छोड़नी, क्योंकि दुआओं की वजह से आज हमारा जो है रिजल्ट हमारे हाथ में आ गया, और एक दुआ हमने करनी है किसी टीम के हारने की, या साउथ अफ्रीका का मैच हार जाए या इंडिया हार जाए और पाकिस्तान इंशाल्लाह बांग्लादेश को हरा देगा। और देखिए मैं वही बात करूंगा जो मैंने बांग्लादेश और इंडिया से पहले बात की थी कि वो भी 11 ही लड़के हैं, और एक चीज आपने नहीं भूलनी है, एमसीजी का ग्राउंड है, बाउंसी पिचेस है और इंडिया का ये होम ग्राउंड नहीं है। बेसिकली उनका क्राउड तो आएगा लेकिन कंडीशंस जो है वो जिम्बाब्वे को भी फेवर करती है। जिम्बाब्वे इज नॉट दैट बैड टीम, उन्होंने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया वनडे में, पाकिस्तान को भी हराया। तो इंशाल्लाह फिंगर क्रॉस जैसी टीम एक को हरा। मैं आज इंडिया चैनल देख रहा था फैसल, वो इस टाइम पे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेलने की बात कर रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हम भी हुए थे कि जिम्बाब्वे का मैच मैंने नहीं देखा, सच बोलूं तो मैंने कहा जीत देंगे, नहीं मुझे पता चला कि हम हार गए, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। बड़े अच्छे फास्ट बॉलर उनके पास, और जैसी इंग्लैंड इंडिया की बैटिंग लाइन है अगर उनके ऊपर से 2-3 बैट्समैन उड़ा दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम सेमीफाइनल खेल जाए और जिम्बाब्वे हमारी मदद करेगा। अब हम जिम्बाब्वे को सपोर्ट करेंगे क्योंकि जिम्बाब्वे यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। नेदरलैंड भी अगर जीत जाए तो यार, नेदरलैंड आपने इतने सालों से एक रिजल्ट हमारे हक में आ जाए। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ इंडिया ही हारे, हम कहते हैं उनको हम हरा देंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। कल बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं, कल हमारी दूसरी जो ग्रुप है उसके अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो बने रहिए चैनल में, बेल आइकन दबा दें। क्रंच मोमेंट स्टार्ट हो गई है वर्ल्ड कप की, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।